नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को हम डीएमएक्स 512 से शार्पी को प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसको पायलट की तरह स्मूथ कैसे चलाया जाता है, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप लोग को पायलट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 20,000 रुपये का आता है। आप लोग इसी डीएमएक्स के द्वारा आप लोग अपनी शार्पी को 2 हो या 4 हो या 6 8 कितने भी शार्पी हों, आप लोग बिल्कुल आसानी से स्मूथ तरीके से प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शार्पी चल रही है, आप नेट की होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्रामिंग को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सब ऑल सेट है मामला। डीएमएक्स 512 आपका एटीआई प्रो कंपनी की तरफ से है, और शार्पी जो है स्टैन की 10R है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोडिंग करने लिए लेनी है लेफ्ट वाले जो शार्पी है उसमें 001 और दूसरे वाले में 0017। अगर ऐसे ही आप और शार्पी बढ़ाना चाहते हैं तो +17 +17 करते चले जाइए, आप उसी में ऐड होता चला जाएगा। दोस्तों अब आपको करना क्या है, डीएमएक्स 512 को ऑन कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी कोई पहले से प्रोग्रामिंग बनी है तो उसको आपको डिलीट करना है। उसके लिए मैं बताता हूँ आपको डिलीट कैसे करनी है। बैंक का डाउन बटन और प्रोग्राम बटन आपको प्रेस करके रखना है दोनों एक साथ। उसके बाद आपके अपने डीएमएक्स को ऑफ करके ऑन करना है। आप देखेंगे लाइट ब्लिंग हो गई है, तो इसका मतलब आपका पहले का प्रोग्राम पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। दोस्तों अब करना क्या है कि हमको शार्पी को प्रोग्रामिंग बनाना है। तो अब देखिए शार्पी को प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं और स्मूथ कैसे चलती है बिल्कुल पायलट की तरह। दोस्तों अब आपको स्कैनर बटन 1 ऑन कर लेना है और स्कैनर बटन 2 दोनों ऑन कर लेना है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको शार्पी का लैम्प जलाएंगे। 2 नंबर और 3 नंबर जैसे ही फेडर उठाएंगे वैसे ही शार्पी का लैम्प जल जाएगा। कि हमको एक एक शार्पी को क्रॉस में चलाना है, ऐसे क्रॉस वाली डिज़ाइन हम आपको बताएंगे। और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो कई सारी डिज़ाइनें आप जैसे मन चाहे वैसे बना सकते हैं, हम आप लोगों को क्रॉस वाली डिज़ाइन अभी बता। अब दोस्तों हमारा लैम्प ऑन हो चुका है, अब पेज सेलेक्ट से इसको 2 नंबर पे लाएंगे। पेज सेलेक्ट दबा, 2 नंबर आ गया। अब इसको फेडर को डाउन कर लेना है। अब दोस्तों करना क्या है, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्पी 4 नंबर से ऊपर उठ रही है और 2 नंबर से लेफ्ट राइट मूव हो रही है। अब दोस्तों हमें शार्पी ऐसे आपको जिस हिसाब से जिधर को मूवमेंट कराना है आप पहली शार्पी वैसे उतने पर रख लीजिए। दोस्तों अब क्या करना है आपको, ये जो बटन है प्रोग्राम का उसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइट ब्लिंग होएगी, जो प्रोग्राम की बटन लाइट है वो डीएमएक्स में ब्लिंग होती रहेगी। इसका मतलब अब हम प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों अब क्या करना है आपको, दोस्तों अब हमें दूसरी वाली शार्पी को जो राइट साइड में रखी हुई उसको भी ऐसे क्रॉस में कर लेना है। दोस्तों हमारा माइक बंद हो गया था इस वजह से रिकॉर्डिंग, हम बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस डिज़ाइन में हमारी शार्पी दोनों ऐसे लग चुकी हैं और हमने ऐसे सेट कर दी। उसके बाद अब यही सीन हमको अपने सीन बटन में सेव करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो ऊपर सीन बटन है आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे वो 1 नंबर, तो इसमें जो राइट हैंड है इसमें हमको मिडी एड प्रेस करना है। उसके बाद सीन 1 में इसको सेव कर देना है। तो लाइट आप देखेंगे कि डीएमएक्स की ब्लिंग हुई है, तो इसका मतलब आपका सीन जो है सेव हो चुका है। अभी प्रोग्राम नहीं सेव हुआ, अभी सिर्फ सीन सेव हुआ है। तो दोस्तों अब उसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे ही शार्पी ये अंदर को है वैसे ही हमें इसको डायरेक्ट दोनों को अपोजिट साइड कर लेनी है। तो उसके लिए हमें पहले राइट साइड वाली शार्पी को जस्ट अपोजिट करना है। आप देख रहे हैं 4 नंबर से हो रही है। उसके बाद हमें 2 नंबर बंद करके 1 नंबर वाली शार्पी को भी वैसे ही जस्ट अपोजिट कर देना है। आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा एडजस्टमेंट, वो तो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही दोनों शार्पी हमारी अपोजिट में सेव हो गई आप देख सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, मिडी ऐड प्रेस करना है, मिडी ऐड वाला बटन जो कि राइट साइड में लगा हुआ है। और फिर उसके बाद सीन नंबर 2 में ऐसा सीन सेव कर देना है, मिडी ऐड और सीन नंबर 2। आप देखेंगे लाइट ब्लिंग हो गई है, तो इसका मतलब हमारा ये सीन भी सेव हो चुका है। दोस्तों अब क्या करना है हमको, इसके बाद दोस्तों अब हमारा सीन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमको चेज बनाना है। दोस्तों इसके लिए हमें चेज नंबर 1 को दबाना पड़ेगा, जो कि लेफ्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं चेज नंबर 1 हमने दबा दिया। वहाँ पे चेज नंबर 1 जो है LED में शो करने लगेगा। आप लोग अपने DMX में देख सकते हैं आराम से, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग करते जाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है कि सीन 1 को बटन प्रेस करना है, उसके बाद मीडिएट सीन नंबर 2, फिर मीडिएट, फिर सीन नंबर 1, फिर मीडिएट। ऐसे ही आपको 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार आपका जितनी बार मन हो आप लोग ऐसे ही इसको सीन को मिडी ऐड करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग जितनी बार ऐसा प्रोग्राम सेव करेंगे उतनी बार आपका प्रोग्राम ऐसे ऐसे चलेगा, 6 बार 7 बार 8 बार। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मिडी ऐड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोग्राम का बटन लॉन्ग प्रेस करना है
आप प्रोग्राम वाली जो एलईडी है वो ब्लिंक करने लगेगी, उसके बाद ब्लैकआउट पे चली जाएगी, उसके बाद नीचे ब्लैकआउट का बटन है उसको ब्लैकआउट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सारपी हमारी पोजीशन ले ली है, उसके बाद आपको चेज वन पे सेव किया है तो चेज वन का बटन दबाना है, उसके बाद आपको सारे फेडर नीचे करके ऑटो का बटन दबा देना है, और जो स्पीड का फेडर है इसको आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाना। आप देखेंगे अभी आपकी शार्पी जो है जैसे प्रोग्राम बनाया है जो सेव किया है वो चलने लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम अभी बनाया है वो चलने लगा, लेकिन अभी ये स्मूथ नहीं चल रहा। इसको स्मूथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्पीड फेडर के बगल में जो हमारा जो फेड टाइम का फेडर है उसको धीरे धीरे हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो स्मूथ चलने लगे। दोस्तों ज़्यादा वीडियो आगे नहीं लंबा नहीं करते हैं, हम दूसरी प्रोग्रामिंग की ओर चलते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग भी हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, उसको देखिएगा, उसके बाद अपने शार्पी में ऐसा प्रोग्रामिंग बनाइएगा तो आपको पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग नंबर एक है वो ऑलरेडी सेव है, ये प्रोग्रामिंग नंबर दो उसी के ऊपर सेव होगी, चेज नंबर दो पे हम लोग सेव करके इसको दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको दोनों प्रोग्रामिंग चला के भी दिखाएंगे। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, पेज वन सेलेक्ट करना है और दोनों सारपी को का लैम्प ऑन कर लेना है जो कि दो नंबर तीन नंबर से ऑन होता है, लोग ये इतना तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद क्या करना है, पेज नंबर दो को सिलेक्ट करना है, जो बटन होता है वहाँ पे पेज नंबर दो को सिलेक्ट करेंगे और प्रोग्रामिंग का बटन थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ताकि हम लोग को प्रोग्रामिंग करनी है तो वहाँ पे एलईडी प्रोग्रामिंग वाली ब्लिंक होने लगेगी। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, हमें एक एक सारपी को मूव कराना है, तो उसके लिए हमें सारपी नंबर एक को सिर्फ ऑन करके रखना है और पेज नंबर दो पे उसको हमें मूव कराना है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव कराएंगे जैसे आप देख रहे हैं हमारे हाथ के इशारे को, ताकि हम जब रोड शो पे अपना डीजे पे सारपी लगाएंगे तो सिर्फ वो आगे पब्लिक पे ही रहे, पीछे कहीं ना जाए, दाएं बाएं ना जाए, सिर्फ आगे पब्लिक पे ही वो उसका फोकस रहे। इस वजह से हम लोग ये प्रोग्रामिंग बना रहे हैं अपने रोड शो डीजे खातिर। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमने सारपी नंबर एक को, जो कि हमारा स्कैनर नंबर एक, स्कैनर बटन एक ऑन है, उसको हमने ऊपर कर लिया है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 110 नंबर तक रखिएगा इसको तो ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को फिर से वही सीन नंबर एक और दो तो भर चुका है, सीन नंबर तीन में ऐसा सेव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडी ऐड का बटन दबाना है पहले, उसके बाद सीन नंबर तीन दबाना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लाइट जो है ब्लिंक हो गई है डीएमएक्स की, इसका मतलब हमारा सीन सेव हो गया। दोस्तों अब ऐसे ही हमको सारपी नंबर दो के साथ करना है, सारपी नंबर दो का स्कैनर बटन ऑन कर लेना है और सारपी पहली जो फर्स्ट थी उसको नीचे कर लेना है। अब दोस्तों जो हमारी सारपी नंबर दो है उसको अभी हम वैसे ही उसी एंगल पे ले जाएंगे, बिल्कुल उतने ही डिग्री पे जो कि 110 डिग्री पे थी। दोस्तों अब हमको सारपी नंबर दो का बटन ऑन करना है और सारपी नंबर दो को ऊपर ले जाना है, जो कि चार नंबर से अप एंड डाउन होती है, तो चार नंबर से ऊपर ले जाएंगे हम। आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रही है। दोस्तों इसको भी 110 पे ही सेट करना है। उसके बाद दोस्तों जब हम ये सेट कर लेंगे तो हमें इसको, इसका जो है सीन वो चार नंबर पे करना है, तो हमारी सारपी अप एंड डाउन दोनों चलने लगेंगे। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, हमको सीन नंबर चार का बटन मिडी ऐड करना है और सीन नंबर चार का बटन दबाना है, तो मिडी ऐड किया सीन नंबर चार। उसके बाद आपने देखा लाइट ब्लिंक की डीएमएक्स की, इसका मतलब हमारा सीन नंबर सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, हमारा सीन तो बन गया लेकिन अभी हमारी चीज़ नहीं बनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, चीज़ नंबर दो को सिलेक्ट करना है। चीज़ नंबर दो जैसे ही आप दबाएंगे स्क्रीन पे चीज़ नंबर दो लिख के आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सीन नंबर तीन मिडी ऐड, आप देखेंगे सीन नंबर तीन हमने बटन दबाया और फिर मिडी ऐड, फिर सीन नंबर चार, फिर मिडी ऐड, ऐसे ही आपको 5-6 बार ऐड कर लेना है जिससे कि प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छी चले। और अभी लास्ट में हम आप लोगों को दिखाएंगे काफ़ी स्मूथ चलेगी, स्मूथ कैसे चलाया जाता है उसके लिए भी आप लोग वीडियो में बने रहें। और अगर आपको प्रोग्रामिंग चलाते चलाते कलर भी डालना है तो आप लोग कलर भी आसानी से डाल सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अब आप देखिए कि हमने प्रोग्रामिंग का बटन दबाना है, लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद ब्लैकआउट की एलईडी जल जाएगी, ब्लैकआउट का बटन दबाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, चेज नंबर दो पर हमने प्रोग्राम बनाया तो चेज नंबर दो को ओके दबाना है। उसके बाद क्या है, हमें ऑटो का बटन दबाना है, ऑटो का बटन। उसके बाद हमें फेडर को, स्पीड वाले फेडर को ऊपर ले जाना है। आप देखेंगे कि शार्पी मूविंग करने लगेगी बिना कुछ किए हुए, आप देख सकते हैं कि शार्पी हमारी मूविंग करने लगी। इसके बाद हमको अगर इसको स्मूथ करना है तो जो बगल में फेड वाला फेडर है उसको हमें ऊपर ले जाना है धीरे धीरे, तो हमारी शार्पी फेड करने लगेगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी शार्पी कितनी स्मूथ चल रही है। अब दोस्तों जो हमने इसके पहले वाला जो
चेज़ बनाया था, चेज़ नंबर एक, अब हम आपको वो भी चला के दिखाएंगे। उसके पहले आप जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको प्रोग्रामिंग में कलर डालना है तो हमें स्कैनर दोनों ऑन कर लेने हैं, उसके बाद पेज नंबर वन सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें फेडर नंबर एक को ऊपर नीचे करते रहना है। आप देख सकते हैं जिसमें सारे कलर आ जाते हैं, गोल्डन कलर हमने डाल दिया, कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही अपने प्रोग्रामिंग चलते प्रोग्रामिंग में कलर भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं, उसके बाद अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने डीएमएक्स में कुछ नहीं किया, ऑटो प्रोग्राम पे चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीन वन टू और थ्री फोर दोनों चेस ऑटोमेटिक चल रहे हैं जो हमने पहले बनाया। आप देख सकते हैं ये चेस नंबर टू है, कितना स्मूथ वर्क कर रहा है, और अब ऑटोमेटिक चेस वन चलने लगेगा। आप देख सकते हैं दोनों चेस, ऐसे ही आप तीन चार जितने में नो उतने चेस बना सकते हैं और जितने मन हो उतनी सारपी को ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों सारपी 001 और 0017 पे ऐड हैं। अगर आप लोग सारपी बढ़ाना चाहते हैं तो +17+17 ऐड करते हुए चले जाइए और सारपी पे वही एड्रेस डालते हुए चले जाइए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।